कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी हैं। शो का ये आखिरी हफ्ता होने वाला है, इसके बाद शो ऑफ एयर हो जाएगा और इसकी जगह अपने पहले सीजन में फेमस हुआ शो बेहद का दूसरा पार्ट बेहद 2 शुरू हो जाएगा। केबीसी का ये आखिरी हफ्ता बहुत ही खास होने वाला है और इस हफ्ते के कर्मवीर में एक बेहतरीन शख्स केबीसी के सेट पर आने वाली है। शो के आखिरी दिन शुक्रवार 29 नवंबर को इंफोसिस फाउंडेशन की पद्मश्री सुधा कृष्ण मूर्ति आने वाली हैं और इसकी जानकारी सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से दी है। सोनी टीवी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें अमिताभ बच्चन आखिरी एपिसोड की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और पैर छूकर पद्मश्री सुधा कृष्ण मूर्ति का स्वागत करने के बाद उनके बारे में बता रहे हैं। शो के इस आखिरी हफ्ते को विजय विश्वास नाम दिया गया है। अभी तक शो को 4 करोड़पति मिल चुके हैं। इस एपिसोड में केबीसी प्ले अलोंग खेलने वाले लाखों कंटेस्टेंट में से 10 कंटेस्टेंट शामिल होंगे, साथ ही मुंबई फायर ब्रिगेड और सफाई विभाग के 70 कर्मचारी भी शामिल होंगे। शो के आखिरी एपिसोड की खास मेहमान पद्मश्री सुधा कृष्ण मूर्ति की बात करें तो वे इंफोसिस फाउंडेशन की मुख्य कर्ताधर्ता हैं। वीडियो में अमिताभ पद्मश्री सुधा कृष्ण मूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि सुधा जी ने अब तक 7,000 लाइब्रेरी और 16,000 शौचालयों का निर्माण करवाया है। हॉट सीट पर पहुंची सुधा जी ने बताया कि 1996 में हमने इंफोसिस फाउंडेशन का निर्माण करवाया था। सुधा जी की तारीफ करते हुए अमिताभ ने कहा कि हम गर्व से सीना चौड़ा कर कह सकते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां सुधा जी जैसी महिला रहती है। इंफोसिस की बात की जाए तो ये एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी मुख्यालय है जो बेंगलुरु में स्थित है। ये एक भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। इसके भारत में 9 विकास केंद्र है और दुनिया भर में 30 से अधिक कार्यालय हैं। इंफोसिस के मुख्य पद्मश्री सुधा कृष्ण मूर्ति केबीसी के आखिरी एपिसोड में आने वाली हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।